साइज है 2 नंबर का, ठीक है। ये 2 नंबर के कान्हा जी की चूली है और आज हम इस पर बनाएंगे इसका घेरा। तो चलिए देखते हैं कि घेरे पर हम डिजाइन किस तरीके का बनाएंगे। देखिए घेरा बनाने के लिए जब मैंने ये फ्रंट साइड में आके इसको ज्वाइन किया है तो स्लिप स्टिच के साथ में हम आर्म होल के नीचे आ गए, ठीक है। जब भी हम घेरा स्टार्ट करते हैं तो आर्म होल के नीचे से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारा जो ज्वाइंट आता है घेरे का वो कम दिखाई देता है, ठीक है। फ्रंट साइड में से एकदम सामने से दिखाई देगा, अगर साइड में होगा तो उस पर इतनी नजर इतनी जल्दी नहीं जाती, ठीक है। आप यहाँ से 1 2 3 की चैन ले लेंगे और जहां से हमने 3 की चैन लिया सेम प्लेस पर हम 1 डबल क्रोशिया और कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया किया, फिर सेम प्लेस पर 1 और डबल क्रोशिया किया। नेक्स्ट में फिर से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। नेक्स्ट में फिर से 2 करेंगे, 1 और 2। नेक्स्ट में फिर से 2 करेंगे। इसी तरीके से हम घेरे को कंप्लीट करेंगे 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब देखिए फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है ये पूरा मेरा राउंड। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने 3 की चैन बनाई थी और 3 की चैन में जो फर्स्ट चैन स्टिच है उसमें लाकर इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा ज्वाइन हो गया। अब फिर से नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे घेरा, सॉरी नेक्स्ट जो राउंड है वो स्टार्ट करेंगे। तो 1 हमने चैन बनाई और जो हमने लास्ट अपना राउंड स्टार्ट किया था तो हमने जहाँ से चैन बनाई थी उसी चैन स्टिच में 1 डबल क्रोशिया और बनाया था और अब इसमें हम 1 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारी 3 की चैन है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आएंगे, 1 डबल क्रोशिया करेंगे तो टोटल हमारे पास 2 हो गई, ठीक है। 1 हमारी 3 की चैन है जिसको 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। नेक्स्ट में फिर से हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे तो हमारे पास टोटल 2 हो गई। अब देखिए नेक्स्ट में जाएंगे तो 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और सेम प्लेस पर 1 और करेंगे। 1 चैन स्टिच में हमने 2 किया। अब नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से 1 डबल क्रोशिया और जो हमारा थर्ड चैन स्टिच होगा उसमें हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 किया सेम प्लेस पर दूसरा करेंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में फिर से 1 और करेंगे और जो हमारा थर्ड चैन स्टिच है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एवरी थर्ड चैन स्टिच में हम 2 2 डबल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट चैन स्टिच में इसको हम ज्वाइन कर देंगे। 1 2 3 3 की चैन बनाई और देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो फर्स्ट राउंड में जो मैंने डबल क्रोशिया किया था वो कितना किया था। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 40 44 ठीक है। टोटल 46 मैंने इसमें डबल क्रोशिया किए थे जब मैंने घेरे का फर्स्ट राउंड स्टार्ट किया था, ठीक है। अब देखिए घेरे का जो सेकंड राउंड स्टार्ट किया है मैंने उसमें मैंने एवरी थर्ड चैन स्टिच में यानी कि हर तीसरे चैन स्टिच में मैंने 2 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। देखिए तो टोटल मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कितने हैं इसमें। देखिए 62 डबल क्रोशिया मेरा इसका सेकेंड राउंड में बनकर आया है, ठीक है। अब देखिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि पता नहीं मैं कितना बताती हूँ और कितना बनाती हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बनाकर और पूरा इसमें काउंट करके भी बता दिया कि जो मेरा सेकेंड राउंड है उसमें मेरे 62 डबल क्रोशिया है, ठीक है। और देखिए अब हम जो अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे वो हम किस तरीके से करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स ये अपने अपने हाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी का हाथ थोड़ा ढीला चलता है और किसी का टाइट चलता है। तो अगर आपका टाइट चलता है तो फिर आप कहोगे कि मैं मेरे तो इसमें खिंचाव आ रहा है,
थोड़ा श्रिंक हो रहा है घेरा, मैं क्या करूँ। तो आप एक काम करिए, जहाँ से मैंने ये दो डबल क्रोशिया और एवरी थर्ड चैन में दो डबल क्रोशिया बनाई हैं, तो आप एक डबल क्रोशिया और जो हमारा सेकंड चैन स्टिच होगा उसमें आप दो डबल क्रोशिया कर दीजिए, यानी कि एक चैन में एक डबल क्रोशिया और दूसरे चैन में दो डबल क्रोशिया, तो फिर घेरे में हमारे में खिंचाव नहीं आएगा। और अगर हाँ ढीला चलता है तो फिर वो घेरे में झोल आ जाएगी। तो अगर दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद भी आपके घेरे में अगर झोल आ रही है तो फिर आप तीन डबल क्रोशिया और जो हमारा चौथा चैन स्टिच है उसके अंदर आप दो डबल क्रोशिया कर दीजिए, तो फिर आप घेरे में झोल नहीं आएगी। तो चलिए नेक्स्ट राउंड अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक हमने तीन की चैन बनाई, नेक्स्ट चैन स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से, नेक्स्ट में फिर से एक करेंगे। तो देखिए, हमारा जो सेकंड राउंड था उसमें हमने दो डबल क्रोशिया किए थे और जो हमारा थर्ड चैन स्टिच था उसमें हमने दो डबल क्रोशिया किए थे, यानी कि एक एक चैन स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया और एक चैन स्टिच में दो डबल क्रोशिया। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग चैन स्टिच में और जो दो डबल क्रोशिया हैं वो हम दूसरे चैन स्टिच में बनाएंगे, यानी कि चौथे चैन स्टिच में हम दो डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन। देखिए, हमारा फोर्थ चैन स्टिच है जिसमें हमें दो डबल क्रोशिया करना है, एक ये दो, फिर से देख लीजिए, एक दो तीन, और ये हमारा चौथा चैन स्टिच है जिसमें हम दो डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। घेरा हमारा इस तरीके से बनता हुआ परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से हम घेरे को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। जैसे मैंने आपकी बारिश में यहाँ तीन डबल क्रोशिया अलग अलग चैन स्टिच में बनाया है, तो नेक्स्ट राउंड में मैं चार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर उससे नेक्स्ट में पांच बनाऊंगी, फिर छह बनाऊंगी। जितना बड़ा आपको घेरा करना है उसी तरीके से आप इसको बढ़ाते जाइए। तो मैं इसको कम्प्लीट कर लेती हूँ, फिर देखो। तो फ्रेंड्स, देखिए घेरा मेरा तैयार हो चुका है, सिर्फ इतना ही बड़ा मुझे घेरा बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। देखिए, मैं एक दो तीन चार, टोटल मैंने इसमें चार राउंड कंप्लीट किए हैं। और देखिए, कंप्लीट करने के बाद ज्वाइन कर दिया है और मैं यहाँ से धागे को कट कर दूंगी, क्योंकि अब मैं यहाँ दूसरा धागा यूज़ करूँगी। ठीक है, इस धागे को हम अलग कर देते हैं। और देखिए, ग्रीन कलर का धागा मैं यूज़ करूँगी, जो मैंने इसकी चोली में भी यूज़ किया है। इसका बॉर्डर मैंने बनाया चोली का, उसी थ्रेड को हम इसमें यूज करेंगे। तो देखिए, नॉट लगा लेंगे और नॉट लगाने के बाद में जहां से हमने इसको बंद किया है वहीं से क्रोशिया हुक डालेंगे और इसको जॉइन करेंगे। एक हमने चैन ले ली, इस तरीके से जॉइन कर लिया। अब जॉइन करने के बाद जहां से हमने ये जॉइन किया है उसी जगह पर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा चैन स्टिच है, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए, नेक्स्ट में फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में फिर से करेंगे, नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये राउंड हमारा पूरा सिंगल क्रोशिया से ही कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मैं सभी में सिंगल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको बता दी कि आगे हमें इसमें क्या करना है। इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करते हुए हर एक चैन स्टिच में राउंड को हम कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप कंप्लीट करने के बाद में हम इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। ज्वाइन हो गया बहुत ही प्यारा सा और एकदम फिनिशिंग के साथ में। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, घेरा बनके तैयार हुआ है इस तरीके से। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, एक दो तीन, तीन की चैन बनाएंगे। अब धागा लेंगे, अब देखिए ये तीन की चैन हो गई, नेक्स्ट में हम
एक डबल क्रोशिया करेंगे और सिर्फ दो धागों को निकालेंगे एक साथ, बाकी हमारे पास दो फंदे हैं ऐसे ही रहने देंगे। फिर से धागा लेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे और फिर से दो धागों को निकाल देंगे, इस तरीके से तीन हो गए। और नेक्स्ट में जाएंगे फिर से दो धागों को निकाल देंगे, ठीक है। अब इन दो धागों के निकालने के बाद में देखिए एक दो तीन चार, हमारे पास चार फंदे हो गए। अब इन चारों फंदों को हम एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। अब एक दो तीन चार पाँच, पांच की चैन लेंगे, धागा लेंगे, फिर से देखिए जहाँ से हमने ये चौथा डबल क्रोशिया बनाया है बिल्कुल उसी के बराबर में से जो हमारा चैन स्टिच है उसमें से एक डबल क्रोशिया करेंगे और दो धागों को निकाल देंगे। स्किप नहीं करना है कोई भी, फिर से दो को निकालेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे डबल क्रोशिया करेंगे और दो को निकालेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे डबल क्रोशिया करेंगे और दो को निकालेंगे। तो देखिए इस तरीके से एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया हमने बनाया, टोटल हमारे पास पांच फंदे हो गए। अब पांच फंदों को हम एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से, फिर से एक दो तीन चार पाँच, पाँच की चैन, धागा लिया। अब देखिए नेक्स्ट में जाएंगे, स्किप नहीं करना है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इसमें कोई भी हमारा चैन स्टिच स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। देखिए यहाँ से हमने लास्ट अपना डबल क्रोशिया बनाया था जस्ट इसके बराबर में, यहाँ से हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, दो को निकाला, नेक्स्ट में फिर से जाएंगे। अब देखिए दो धागों को निकाला, नेक्स्ट में जाएंगे दो धागों को निकाला, तीन डबल क्रोशिया हो गए, नेक्स्ट में जाएंगे फिर दो धागों को निकाला, चार डबल क्रोशिया हो गए। अब धागा लेंगे और पांचों फंदों को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से, फिर से एक दो तीन चार पांच, धागा लेंगे और देखिए फिर से जस्ट इसके बराबर में जो चैन स्टिच है स्किप नहीं करना है। एक डबल क्रोशिया करेंगे, दो धागों को निकालेंगे, दो फंदे हो गए, दूसरे में जाएंगे दो को निकाला, तीसरे में जाएंगे दो को निकाला, चौथे में फिर दो को निकाल दिया। तो एक हमारे ये पांच की चैन का फंदा और चार फंदे हमारे चार डबल क्रोशिया के, तो टोटल हमारे पास पांच हो गए। धागा लेंगे और पांचों को एक कर देंगे। अब एक दो तीन चार पांच, पांच की चैन। अब पांच की चैन लेने के बाद फिर से धागा लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में जाएंगे दो को निकालेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे दो को निकालेंगे, कंप्लीट नहीं करना है हमें अपना डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में जाएंगे फिर से हम दो को निकालेंगे, नेक्स्ट में फिर से दो फंदों को एक साथ, तो टोटल हमारे पास पांच हो गए, एक पांच की चैन का और चार फंदे हमारे चार डबल क्रोशिया के। और अब इन पांचों फंदों को एक कर देंगे, एक दो तीन चार अरे पांच, पांच की चैन। और जिस तरीके से हमने ये बनाया है उस सेम तरीके से पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए लास्ट में हूँ मैं, अब इन पांचों को एक साथ निकाल देंगे, सॉरी देखिए निकल गया, इसको फिर से बना देती हूँ निकालेंगे दो को निकाल। देखिए एक हमारे पास इधर कम है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से जहां से हमने ये फर्स्ट स्टार्टिंग में तीन की चैन बनाई थी उसके नीचे से हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से हमारे पास पूरे चार कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब एक दो तीन चार पांच, पांच की चैन बनाएंगे और देखिए ये जो तीन की चैन है, ठीक है, इसके फर्स्ट चैन स्टिच में हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे।
यहाँ से एक दो तीन, तीन की चैन ले लेंगे। अब देखिए मैं आपको घेरा दिखा देती हूँ एक बार, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से। कॉटन थ्रेड है, बनाते बनाते थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है ये देखिए। ठीक है, अब देखिए हम इसका जो नेक्स्ट राउंड है वो स्टार्ट करेंगे। तीन की चैन बनाई है, अब तीन की चैन बनाने के बाद में देखिए बस एक बार फिर से देख लीजिए, जहां से हमने चार डबल क्रोशिया बनाई है वहीं से हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, अब सिंगल क्रोशिया करने के बाद ये जो हमारी पांच की चैन का गैप है इसमें एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहां से एक दो तीन, तीन की चैन और छह डबल क्रोशिया बनाएंगे इस लूप के अंदर। एक, एक हमारी तीन की चैन थी, दो हो गई, तीन, चार, पांच और एक छह, छह डबल क्रोशिया बनाई और फिर से नेक्स्ट लूप में लाएंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ में ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ये ज्वाइन हो गया, अब यहाँ से एक दो तीन, तीन की चैन, फिर से छह डबल क्रोशिया, एक दो, एक हमारी तीन की चैन है, तीन, चार, एक दो तीन चार पांच और छह। नेक्स्ट लूप में आएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कुछ इस तरीके का पैटर्न हमारा बनता हुआ आएगा, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको। और जो लास्ट राउंड है वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब कंप्लीट करने के बाद मैं ये देखिए लास्ट में आकर मैंने एक चैन ली है और जहाँ से हमने स्टार्टिंग में तीन की चैन बनाई थी उसकी फर्स्ट चैन स्टिच में हम इसे लाकर ज्वाइन कर देंगे और एक चैन ले लेंगे, धागे को हम कट कर देंगे इस तरीके से और बैक साइड में लाकर थोड़ा सा इसको हम कहीं भी एडजस्ट कर देंगे। देखिए कॉटन थ्रेड है और क्रोशिया हुक भी बहुत पतला है तो इसको कटने में भी देर नहीं लगती, बीच में से एकदम ये फट जाता है धागा, तो थोड़ा ध्यान से हमें ये खींचना पड़ता है इस तरीके से, बीच में से कहीं से भी कट जाता है। जितना भी एक्स्ट्रा थ्रेड है हम उसको कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी सी ड्रेस मेरी बनकर आई है, कान्हा जी की, दो नंबर की कान्हा जी की ड्रेस है ये देखिए। इसकी चोली है जो मैं अपने चैनल पर आपको बता चुकी हूँ कि ये दो नंबर के कान्हा जी की चोली किस तरीके से बनानी है। और अगर फ्रेंड्स ये ड्रेस अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए सबके साथ। थैंक यू।